अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी सुहारिन खान। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है उन गर्ल्स के लिए जो ऑफिस जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाती हैं, तो वो नेचुरल मेकअप लुक क्रिएट करना चाहती हैं और वो ऐसा मेकअप करके चली जाती हैं जिनसे वो बहुत ज़्यादा हैवी लगता है, ऐसा लगता है काफ़ी हैवी मेकअप किया हुआ। तो आज मैं नेचुरल मेकअप लुक लेकर आई हूँ, प्रोडक्ट्स लेकर आई हूँ, कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जी गाइस, सबसे पहला स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहला स्टेप है मॉइस्चराइजर। ये आपको मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बता चुकी हूँ, लेकिन आपने सबसे पहले अपने फेस को मॉइस्चराइज करना है किसी भी अच्छे से मॉइस्चराइजर से। यहाँ पे मैं आपको बेबी जॉनसन्स का माय फेवरेट मॉइस्चराइजर लोशन है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। आप इससे भी अपनी मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपनी स्किन को वॉश करना है, देन आपने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है अच्छे से, ताकि आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाए और प्रिपेयर हो जाए मेकअप के लिए। तो सबसे पहला है स्टेप है मॉइस्चराइजर। यहाँ पे मैं जॉनसन्स का बता रही हूँ, तो ये हुआ मॉइस्चराइजर फर्स्ट स्टेप। तो अब आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा सन से, यानी कि सन ब्लॉक। यहाँ मैं सन ब्लॉक आपको योवेल का, डर्मा टेक्नो का दिखा रही हूँ, आप इसे बाय कर सकते हैं। प्राइस 450 रुपीज़ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगी, वेबसाइट से आप इसकी बाय भी कर सकते हैं। ये सन ब्लॉक काफ़ी अच्छा है, इजीली ब्लेंड हो जाता है। इसकी डिटेल वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है स्किन केयर प्रोडक्ट्स में। तो ये सब दूसरा स्टेप है, आपने अपनी स्किन को क्या करना है, सन ब्लॉक लगाना है। और उसके बाद थर्ड स्टेप है हमारा फाउंडेशन यानी कंसीलर। यहाँ पर मैं मिस रोज का कंसीलर आपको दिखा रही हूँ, शेड है आइवरी, ठीक है। और ये कंसीलर ना ज़्यादा हाई कवरेज है, ना ज़्यादा मीडियम टू हाई कवरेज है इसकी, और ये काफ़ी अच्छा है, क्रीमी फॉर्म में है, इजीली ब्लेंड हो जाता है। यहाँ मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ कि किस किस जगह पे आपने कंसीलर को अप्लाई करना है अपने फेस पे। तो यहाँ मैं आप इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ आपको, क्रीमी फॉर्म है और इजीली ब्लेंड हो जाता है। ये देखें, और अब मैं इसको ब्लेंड करके दिखाती हूँ। तो आपने इसको ब्लेंड करना है किसी भी ब्रश से, फाउंडेशन ब्रश से, जो आप ये अगर आप उससे करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर से, तो वो आपकी जो फाउंडेशन है अपने अब्जॉर्ब कर लेगा और आपकी स्किन पे नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट कर रही हूँ ब्रश। तो यहाँ पे मैं आपको ब्लेंड करके दिखा देती हूँ, ये देखिए ईजिली स्मूथली ब्लेंड हो जाएगी। और आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ कि आपने किस किस जगह पे इसको अप्लाई करना है। ये देखें, बिल्कुल नेचुरल हो गई है, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। अब आते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ। फोर्थ स्टेप है फेस पाउडर। यहाँ मैं फेस सीट का आपको दिखा रही हूँ, काफ़ी रिजनेबल है, 450 रुपीज़ में मिल जाएगा किसी भी लोकल शॉप से। तो इसका जो शेड है वो भी दिखा देती हूँ आपको, इसका शेड है 02, आप देख सकते हैं 02। और इसको आपने किसी भी फ्लफी ब्रश के साथ अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। यहाँ मैं आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ, आपने एक फ्लफी सा ब्रश लेना है। ये देख सकते हैं, मैंने फ्लफी सा फेस ब्रश लिया और इसको यहाँ लिया और यहाँ, और अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है इस तरह। यहाँ इस तरह आपने अपने फेस पे लाइट लाइट से अप्लाई कर लेना है। ये हो गया हमारा फेस पाउडर। तो ये देखिए, यहाँ पे अच्छे से मैंने अप्लाई कर लिया है। ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेप। अब आते हैं फिफ्थ स्टेप की तरफ। फिफ्थ स्टेप है हमारा टिंट, लिप एंड चिक टिंट। ये आपके आपके चिक पे भी लगेगा, ब्लश ऑन का काम भी करेगा और आपके लिप्स पे भी लगेगा, और आपकी आपकी जो लिप्स हैं उन्हें काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज रखेगा। ये टिंट है SR कॉस्मेटिक का, यानी कि मेरे ब्रांड का, मैं इसे कस्टमाइज करती हूँ, बनाती हूँ। तो अगर किसी को चाहिए तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। और बाय कहाँ अप्लाई करना है फेस पर, वो मैंने आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा दिया है। तो यहाँ मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ आपको, वन ड्रॉप ही काफ़ी है आपके फेस के लिए। और आपको एक बात बताती चलूँ कि आपने इसको लगा के नहीं छोड़ देना है, ये स्टेन छोड़ देगा और आपकी स्किन पे काफ़ी डार्क स्टेन छोड़ देगा। तो इसको जल्दी से आपने क्या करना है, ब्लेंड करना है। ये देखें,
नेचुरल आपको रेड रेड पिंक पिंक सा शेड देगा। तो ये देख सकते हैं, ये हो गया हमारा फिफ्थ स्टेप। आपने इसे लिप्स पे भी अप्लाई करना है और चिक्स पे भी। तो उसके बाद आते हैं आईज की तरफ। तो आपने आईज के लिए यहाँ सबसे पहले मस्कारा है, मस्कारा यूज़ करना है। यहाँ पे मैं बॉब का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, इजीली किसी भी लोकल शॉप से मिल जाएगा। तो ये देख सकते हैं, आपने अपनी आई लैशेस को मस्कारे से कर्ल्स करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा सिक्स स्टेप। उसके बाद आते हैं आईब्रोज पे। चाहे हम फाउंडेशन लगाते हैं, फेस पाउडर लगाते हैं, तो हमारी आईब्रोज में चला जाता है, तो वो काफ़ी बुरा लगता है। तो आपने क्या करना है, कोई पेंसिल नहीं लेनी, कुछ नहीं लेना, आपने उसे डस्ट आउट करना है इस गोली की हेल्प से। इससे अपनी आईब्रोज को क्लियर डस्ट आउट कर देना है। तो ये हुई हमारी नेचुरल मेकअप लुक। इन प्रोडक्ट्स के साथ आप इजीली डेली अपने स्किन अपना नेचुरल लुक क्रिएट कर सकते हैं। कोई एक्सपेंसिव भी चीज़ें मैंने नहीं बताई, अफोर्डेबल है और काफ़ी रीजनेबल है। जो 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 मैंने आप ऑनलाइन बाय किए हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी। तो वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मेरी मजीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारी मजीद वीडियोज़ मिल सके। और मुझे टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी। चलिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।